हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको जो देखूँगा, जो चाइना किट होता है, आप देख सकते हो मेरा पास एक चाइना किट है, चाइना सीआरटी पीसीबी। तो ये पीसीबी का मैं अलग अलग बहुत वीडियो बना के देखा है कि हॉरिजेंटल सेक्शन का ऊपर अलग अलग वीडियो। तो पहले एक वीडियो बनाया, ये जो 1600 वोल्ट और 2 kV वोल्ट ये जो पीएफ है, ये पीएफ का ऊपर डिटेल्स एक वीडियो बना के रखा है, ठीक है। तो वो वीडियो आप देखना चाहता हो, आप देख सकते हो, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मैं दे देगा। और ये मैं पार्ट वन वीडियो बनाने का बाद बहुत दोस्त ने मुझे को कमेंट किया है, सर आप नेक्स्ट वीडियो बनाएँ, तो इसलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, ये वीडियो डाइवर ट्रांसफार्मर और डाइवर ट्रांजिस्टर, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स का ऊपर आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखिए, अब न्यू टेक्नीशियन को बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि दोस्तों, सीआरटी पीसीबी का अंदर कुछ भी टीवी हो सकता है, कुछ भी टाइप किट हो सकता है, ठीक है। तो उसका अंदर एक डाइवर ट्रांसफार्मर और एक डाइवर ट्रांजिस्टर आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये डाइवर ट्रांसफार्मर है और ये डाइवर ट्रांजिस्टर है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो दो पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, और कुछ भी एक पार्ट्स प्रॉब्लम होने के लिए टीवी कभी ऑन नहीं होगा, ठीक है। टीवी ऑन नहीं होगा इसका मतलब क्या है, ईएसटी जो होता है, ईएसटी कभी ऑन नहीं होगा। तो ये कैसे होता है, इसके ऊपर डिटेल्स एक वीडियो में बना के रखा है। तो दोस्तों, वो वीडियो आप देखना चाहता हो तो आप देख सकते हो। तो वो वीडियो में ये जो ड्राइंग आप देख रहे हो, ये ड्राइंग करके आपको दिखाया, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको ड्राइवर कॉइल और ड्राइवर ट्रांसफार्मर और ड्राइवर ट्रांजिस्टर के बारे में आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों, आइए। तो दोस्तों, फर्स्ट आपको बता देता हूँ कि ये जो ड्राइंग मैं करके रखा है, ये पावर सेक्शन का चॉपर है, ठीक है। ये चॉपर का सेकेंडरी साइड है, ठीक है। ये सेकेंडरी साइड से 110 वोल्ट आउटपुट होता है, ये जो ड्राइंग में करके दिखाया, ये सप्लाई ईएसटी पिन पर जाता है, और ईएसटी का अंदर एक कॉयल है, वो कॉयल से ये सप्लाई 110 वोल्ट लाइन आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जाता है, ठीक है। और ये आउटपुट ट्रांजिस्टर का एक पिन ग्राउंड हो जाता है, और एक जो बेस पिन है ट्रांजिस्टर का, आउटपुट ट्रांजिस्टर का बेस पिन है, ये बेस पिन एक डाइवर ट्रांसफार्मर का कॉयल का साथ कनेक्शन है। ये चारों टंग वाला डाइवर ट्रांसफार्मर है, ठीक है दोस्तों। तो ये ट्रांसफार्मर का एक पिन, ये जो कॉयल है अंदर, ये कॉयल का एक पिन सप्लाई पिन होता है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, ये बेस पिन का साथ जो कॉयल है, ये कॉयल का उल्टा साइड पिन, ये ग्राउंड होता है, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाता है। और उसका जो ये एक्चुअली डाइवर ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है, और ये डाइवर ट्रांसफार्मर का ये प्राइमरी साइड है। तो दोस्तों, आपको पीसीबी लेके भी आपको देखाऊंगा, फर्स्ट एक बार ड्राइंग को थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। ये डाइवर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड पर एक सप्लाई आपको ज़रूर देना पड़ेगा, कुछ भी पीसीबी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो लाइन मैं आपको दिखाया, ये जो सप्लाई लाइन, ये सप्लाई आउट, ये पावर जो चॉपर है, चॉपर से आउटपुट होता है, ठीक है। ये चॉपर से आउटपुट होने के बाद ये सप्लाई डाइवर ट्रांसफार्मर पर आता है, और डाइवर ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट वोल्टेज, ये कॉइल का बाद जो आउटपुट होता है, ये डाइवर ट्रांजिस्टर पर जाता है, ये डाइवर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन है, ठीक है दोस्तों। ये जाने के बाद इमीटर पिन ग्राउंड हो जाता है, और जो एक बेस पिन होता है, ये बेस पिन पर एक सिग्नल प्रोसेसर आईसी से आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रोसेसर आईसी से बेस सिग्नल ये ट्रांजिस्टर पर आने का बाद, और ये सप्लाई यहाँ पर मौजूद होने का बाद, जब ये सिग्नल, जो ये सिग्नल का जो नाम होता है एच आउट सिग्नल, ठीक है। तो आईसी का जो पिन नंबर जो होता है, वो अलग अलग आईसी का अलग अलग पिन हो सकता है। तो वो आईसी का डाटा शीट आप देखेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिस्टम यही होता है, सबका पीसीबी के अंदर सिस्टम यही सेम होता है, ठीक है। ये आप ध्यान से रखेगा तो कुछ भी ईएसटी ऑन प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये थोड़ा आपको और क्लियर करके बताने की कोशिश करूँगा। तो ये आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है, इसका पास ये बेस पिन के साथ डाइवर
ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर का एक पिन के साथ डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है। ये दो पार्ट्स के ऊपर आपको क्लियर करके समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपको जो दिखाया, आपको जो बताया, थोड़ा सा पीसीबी के अंदर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं चाइना किट का ऊपर ही दिखाता हूँ। तो आप कुछ भी पीसीबी लेके आप ये लाइन को ट्रैक कर सकते हो, सेमी लाइन होता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो चाइना किट है, देखिए ये 110 वोल्ट लाइन जो मेन चॉपर से आउटपुट होता है, आउटपुट होने के बाद ये ESD सप्लाई पर जाता है, ठीक है। ये ESD का सप्लाई पिन है। तो दोस्तों अलग अलग ESD का अलग अलग सप्लाई पिन हो सकता है, लेकिन सिस्टम सेम ही है, ठीक है। तो ये सप्लाई ये पर ये पिन पर आने के बाद यहाँ पर इंटरनल एक कॉइल है। तब मीटर से चेक करेगा तो आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलेगा। और ये जो सप्लाई डायरेक्ट आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर जाता है, ठीक है। और दोस्तों ये पिन ग्राउंड हो जाता है। और ये जो पिन देखिए, ये डाइवर, ये जो चारों टांग वाला डाइवर ट्रांसफार्मर, ठीक है, डाइवर कॉइल भी आप बोल सकते हो, ये पिन के साथ डाइवर का पिन के साथ कनेक्शन है। और ये जो दो कॉइल है, ये जो नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव के साथ ही कनेक्शन है। तो दोस्तों ये जो जम्पर है, देखिए ये जो जम्पर, ये जो लाइन, ठीक है, ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, ठीक है। ये नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, देखिए यहाँ तक एक जम्पर है और यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है। और ये जो लाइन, ये ESD का जो नेगेटिव और ये जो चॉपर का जो नेगेटिव, या इसका साथ कनेक्शन है। तो इसका सेकेंडरी साइड तो आपको बता दिया डाइवर कॉयल का, और डाइवर कॉयल का ये प्राइमरी साइड है। तो दोस्तों आपको ड्राइंग में दिखाया, ये प्राइमरी साइड पर एक सप्लाई आना चाहिए। तो ये पिन पर सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये सप्लाई देखिए, जो लाइन, ये देखिए ये जो लाइन जाता है, ठीक है, ये जो लाइन देखिए, यहाँ से ये जो लाइन, ठीक है, ये चॉपर से आउटपुट होता है। बीच में डायोड है, क्योंकि ये चॉपर पिन पर AC वोल्ट आपको मिलता है और डायोड का बाद ये DC हो जाता है, ठीक है। ये DC वोल्ट, ये एक सप्लाई वर्टिकल IC को दिया जाता है और ये डाइवर्स सप्लाई को दिया जाता है। दोस्तों चाइना किट का सिस्टम यही होता है कि एक सप्लाई वर्टिकल और एक सप्लाई डाइवर को दिया जाता है। लेकिन अलग अलग कंपनी का PCB का जो सिस्टम है, ये एक ही सप्लाई सिर्फ ओनली डाइवर्स सप्लाई को दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो सप्लाई आपको क्लियर कर दिया। और ये सप्लाई कॉयल का ये आउटपुट पिन है। ये आउटपुट पिन से देखिए, ये बीच में एक ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का मिडिल पिन पर जाता है। अब ध्यान से देखिए, तो ये कलेक्टर पिन है, ये जो ट्रांजिस्टर, ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का नीचे वाला पिन ये नेगेटिव हो जाता है, ग्राउंड है, और ऊपर वाला पिन ये बेस पिन होता है। तो दोस्तों ये बेस पिन को आप अच्छा करके ट्रैक करेगा तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो लाइन, ये बीच में एक रेजिस्टेंस है और ये IC के पिन के साथ कनेक्शन है, जो पिन का नाम है H आउट पिन, ठीक है। तो अलग अलग IC का H आउट पिन अलग अलग पिन से हो सकता है, ठीक है, होता है। तो वो कौन सा पिन होगा, आप ये डाइवर ट्रांजिस्टर का बेस पिन लाइन ट्रैक करेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और ये देखने को आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप IC का डाटा सेट डाउनलोड करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये सिस्टम कैसे काम होता है, कैसे ये बेस पर सिग्नल आता है और सिग्नल आने के बाद तब ESD ऑन होगा, इसका ऊपर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये जो ड्राइंग में करके रखा है और इसका ऊपर जो अलग एक वीडियो बना कर रखा है, उस वीडियो में ESD ऑन प्रोसेस का ऊपर आपको वीडियो देखा है, तब भी आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, जब सेट पर लाइन देगा, लाइन देने के बाद साथ साथ चाइना किट का अंदर 110 वोल्ट आ जाता है। और बैंडेड सेट का अंदर कुछ बैंडेड सेट होता है जिसका अंदर साथ साथ 110 वोल्ट नहीं मिलता है। ये स्टैंड बाई ऑन होने के बाद, ये बेस सिग्नल आउट होने के बाद, तब भी ये पॉइंट पर 110 वोल्ट आता है, वो तो अलग बात है। तो आपको चाइना किट के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपको माइंड में आ जाएगा, तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो देखिए, सेट पर लाइन देने के बाद यहाँ पर 110 वोल्ट आ जाएगा और ये सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और वो स्टैंड बाई मोड पर है, तो स्टैंड बाई कैसे ऑन होता है, तो दोस्तों प्रोसेसर IC जो होता है, प्रोसेसर IC का एक पिन IR पिन होता है। मान लो ये एक IR पिन है, तो दोस्तों आपको समझने के लिए मैं दिखाता हूँ। एक्चुअली ये पिन का मतलब क्या है, कुछ भी एक पिन हो सकता है, क्योंकि जो अलग अलग IC का अलग अलग पिन आउट, अलग अलग डाटा सीट अलग अलग होता है, ठीक है। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कुछ भी IC हो सकता है, वो IC का नंबर आप गूगल से और गूगल से आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि उसका पिन नंबर कौन सा है, ठीक है। तो ये जो IR पिन होता है, ठीक है, IR पिन, एक्चुअली IR पिन का साथ रिमोट का जो काम करता है, जो सेंसर का साथ,
मान लीजिए एक सेंसर है, मैं छोटा सा ड्राइंग करके आपको समझने के लिए कोशिश करता हूँ। तो रिमोट से जब रिमोट का मान लो ये रेड बॉटम है, ये रेड बॉटम पुश करने के बाद वो स्टैंड बाई से ऑन होता है। तो जब स्टैंड बाई से ऑन करने के लिए ये रिमोट का रेड बॉटम आप पुश किया, तो ये सेंसर पैनल से भी ऑन कर सकते हो। तो ये सेंसर ये आईसी ये रिमोट कमांड देता है कि आप स्टैंड बाई से ये आईसी को ऑन करो, ठीक है, स्टैंड बाई सेक्शन को ऑन करो। तो जब आईआर सेक्शन से आईआर सिग्नल ये पिन पर आएगा, ठीक है, आने का बाद आईसी का एक पिन होता है जो पावर पिन POWER पावर पिन और स्टैंड बाई पिन, ठीक है। मान लो ये पावर पिन और स्टैंड बाई पिन होता है। चाइना किट का जो आईसी होता है वो आईसी का 64 नंबर पिन पावर पिन और स्टैंड बाई पिन होता है। तो पावर पिन और स्टैंड बाई पिन होता है। तो जब सिग्नल ये आईसी को बताएगी कि आप स्टैंड बाई से सेट का ऑन करो, तो ये सिग्नल देने के बाद ये पावर पिन और स्टैंड बाई पिन से एक सिग्नल एक रेगुलेटर सेक्शन पर आता है। तो दोस्तों मान लो ये एक रेगुलेटर सेक्शन है, ठीक है, ये एक रेगुलेटर सेक्शन है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल एक वीडियो बना के रखा है, तो वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे देगा, जो 8 वोल्ट और 5 वोल्ट और स्टैंड बाई सेक्शन होता है, इसके ऊपर एक वीडियो, ठीक है। तो जब ये सिग्नल ये रेगुलेटर सेक्शन को देता है, तो ये रेगुलेटर सेक्शन के अंदर कुछ ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस इस तरह पार्ट्स है। तो देने के बाद रेगुलेटर सेक्शन से एक 5 वोल्ट और एक 8 वोल्ट, ठीक है, एक 5 वोल्ट और एक 8 वोल्ट आउटपुट होता है, ठीक है। और वो 5 वोल्ट और 8 वोल्ट ये आईसी का जो अलग अलग सप्लाई पिन होता है वो अलग अलग सप्लाई पिन पर जाता है। जब ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आईसी का अलग अलग सप्लाई पिन पर जाएगा, जाने का बाद तब, अब ध्यान से सुनिए, जब ये 5 वोल्ट और 8 वोल्ट आईसी का अलग अलग सप्लाई पिन पर जाता है, जाने का बाद तब ये पिन से जो एच आउट पिन है, एच आउट पिन से एच आउट हॉरिजेंटल आउट सिग्नल आउटपुट होगा। तब ये ट्रांजिस्टर जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर का बेस पर सिग्नल आएगा, तब ये सेक्शन पूरा ऑन होगा, ये एसटी सेक्शन ऑन होगा, ठीक है, यही सिस्टम होता है। तो ठीक है, उसका बाद आपको जो बताऊंगा, देखिए ये डाइवर्ट ट्रांसफार्मर फॉल्ट होने के बाद ई एस टी ऑन नहीं होगा, ये तो एक बात हो गया। और ये कॉयल फॉल्ट होने का बाद ई एस टी भी हाई हो सकता है, हाई होने का बजाय आउटपुट ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है। ये कॉयल फॉल्ट होने का बजाय पिक्चर कभी कभी सिंक भी प्रॉब्लम हो सकता है। और ये ट्रांसफार्मर फॉल्ट होने का बजाय सेट कभी कभी ऑन होगा, कभी कभी ऑन नहीं होगा, इस तरह प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, ठीक है। और दोस्तों देखिए, सब कुछ वोल्टेज ओके है तब भी सेंड ऑन नहीं होता है। तो इसका और एक जो रीजन है, ये जो सप्लाई लाइन होता है, ये सप्लाई लाइन के अंदर एक कैपेसिटर होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, ये जो वैल्यू ये थोड़ा हाई हो जाएगा और ये कैपेसिटर प्रॉब्लम हो जाएगा, तब भी ये एसटी ऑन नहीं होगा। और ये जो लाइन, ये जो चॉपर से वोल्टेज आता है, बीच में जो डायोड है जो एसी को डीसी फुल करता है, तो ये डायोड लीकेज होने का बाद भी ये एसटी ऑन प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए ये डायोड मीटर से आप चेक करेगा तब भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको ये डायोड को आपको न्यू लगा के देखना पड़ेगा। ये लाइन पर जो फिल्टर कैपेसिटर होता है ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये जो कैपेसिटर ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। और दोस्तों ये जो कॉयल होता है, ये तो जो डाइवर ट्रांसफार्मर ये तो कॉयल है, तो कभी कभी ये कॉयल शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। ये शॉर्ट होने के बाद आउटपुट ट्रांजिस्टर भी बार बार शॉर्ट हो सकता है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। ये जो कॉयल का साइड ये शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी इस टाइप प्रॉब्लम हो सकता है, और डाइवर्ट ट्रांजिस्टर भी काट जाएगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो ये तो क्वांटिटी आपको मीटर पर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका अंदर जो शॉर्ट है, तो शॉर्ट होने का बजाय इस तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आप ध्यान दीजिए। और दोस्तों एक बात इसी का साथ आपको जो बताता हूँ, ये जो डाइवर्ट ट्रांजिस्टर है, ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर भी फॉल्ट हो सकता है। आप ये ट्रांजिस्टर को ओपन करके मीटर पर चेक करेगा तो तब भी आपको ओके दिखाएगा, ओके दिखाने के बाद तब भी सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिए। तो ये पोजीशन ट्रांजिस्टर को आपको न्यू लगा के आपको चेंज करके ही देखना पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो उसका बाद आपको इसका नंबर के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर कौन कौन नंबर का ऊपर होता है, ठीक है, ये सबसे
इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैं बहुत पीसीबी देखा है और बहुत पीसीबी का अंदर ये पोजीशन पर अलग अलग ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है। तो तब भी एक्चुअली ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, एक एनपीएन होता है और एक पीएनपी होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ट्रांजिस्टर एक एनपीएन होता है और एक पीएनपी होता है। दोस्तों ये पोजीशन पर जो ट्रांजिस्टर यूज़ होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए मैं इसका पास में एक छोटा सा ड्राइंग करके रखा है, आप देख सकते हो ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ड्राइंग है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये ट्रांजिस्टर का जो ड्राइंग मैं करके रखा है, ये कलेक्टर पिन है, ये बेस पिन है और ये इमीटर पिन है। तो यहाँ पर आपको एनपीएन ही ट्रांजिस्टर यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं देखा है कि जो अलग अलग पीसीबी होता है, सब कुछ जो बहुत पीसीबी देखा है उसका अंदर बहुत कुछ ट्रांजिस्टर मैं देखा है, तो इसीलिए आप वहाँ पर बहुत कुछ अलग अलग सब्स्टिट्यूट ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो। तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर डाइवर्ट ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो C2383, ठीक है, और C2331, C1827A, C1627A, C2382 और A42 ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, BF422 ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, TPL29 ट्रांजिस्टर आप यूज़ कर सकते हो, डबल टू थ्री सिक्स ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, 3229 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, 3229 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, 3229 ट्रांजिस्टर यूज़ कर सकते हो, 3206 ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। दोस्तों ये ट्रांजिस्टर जो मैं आपको बताया, ये बहुत सेट पर ये ट्रांजिस्टर ये पोजिशन पर मैं देखा है, ठीक है। और दोस्तों एक बात इसी का साथ आपको जो बता देता हूँ, आप देखिए ये पोजीशन पर जो ट्रांजिस्टर देखा जाता है, कुछ पीसीबी पर मैं देखा है कि चाइना किट का जो बेस पर जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर बेस बोर्ड है, ये बेस बोर्ड पर जो ट्रांजिस्टर है, ये सेम ट्रांजिस्टर भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये डाइवर्ट ट्रांजिस्टर पर ये बेस का जो ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, कलर ट्रांजिस्टर, ये सेम ट्रांजिस्टर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो उसका बाद आपको ये डाइवर कॉइल के बारे में आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मान लो आपका डाइवर कॉइल फॉल्ट है, तो ये डाइवर कॉइल के ऊपर एक नंबर देखा जाता है, आप ध्यान से देखेगा तो आपको देखने को मिलेगा ये डाइवर कॉइल के ऊपर भी एक नंबर है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखिए एक नंबर है, तो ये नंबर देख के आपको कॉइल लगाना पड़ेगा। तो ये कॉइल मार्केट पर नहीं मिलता है, आप ध्यान दीजिए, लेकिन ट्रांजिस्टर मार्केट पर अवेलेबल है, ठीक है, कुछ भी ट्रांजिस्टर हो सकता है, लेकिन ये डाइवर कॉइल मार्केट पर अवेलेबल नहीं है। इसलिए ये डाइवर आपको लगाने के लिए आपको सेम पीसीबी से, ठीक है, सेम पीसीबी से आपको ये डाइवर कॉइल आपको ओपन करके लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी पीसीबी हो सकता है, तो जिस टाइप पीसीबी है और जिस मॉडल का पीसीबी है, वही पीसीबी से वही डाइवर कॉइल ओपन करके आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका अलग प्रॉब्लम भी हो सकता है और ये उल्टा कॉइल लगाने का बाद आपका ESD इतना हाई हो जाएगा और आपका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी काट जाएगा और आपका पिक्चर टू भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक काट दीजिए और ये चैनल पर अपना है तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो दोस्तों ये मैं पार्ट टू आउटपुट सेक्शन के बारे में पार्ट टू वीडियो बनाया, आप पार्ट थ्री वीडियो चाहता हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि उसका अंदर मैं एक टेलीग्राम ग्रुप लिंक देख के रखा है, आप लॉन्ग डिस्कस करना चाहता हो तो ग्रुप पर आ सकते हो। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने के लिए।